आज हम देखेंगे आंशिक रूप से पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ पार्शियली डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक्स वाई दो संधारित्र प्लेटें हैं, ठीक है, और इनके बीच कोई माध्यम है जिसका मोटाई क्या है, टी है, और ये जो एक्स से वाई तक की जो दूरी है वो डी है, मीन्स टोटल दूरी क्या हो जाएगी, डी माइनस टी हो जाएगी। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं कि ये जो है दोनों प्लेटों के बीच माध्यम जो है, यहाँ पे दो माध्यम है, एक वायु है और ये एक कोई परावैद्युत पदार्थ है। परावैद्युत पदार्थ मीन्स क्या होता है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन वे विद्युत प्रभाव का क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब। ठीक है, तो आप देखते हैं दोनों प्लेटों के बीच वायु या माध्यम होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो वायु या माध्यम के, वायु के कारण हम लोग एक बार निकालेंगे और एक बार किसके परावैद्युत पदार्थ जो रखा है इसके बीच, दोनों प्लेटों के बीच, उसके उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो पहले निकालते हैं दोनों प्लेटों के बीच के वायु या माध्यम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन इक्वल टू हम लोग जानते हैं ये क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, तो इसका इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सिग्मा की जगह में हम लोग क्या रख देंगे, क्यू अपॉन ए, तो ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार अब परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में, पहले हम लोग वायु के लिए निकाले थे किसी बिंदु पर, ठीक है, अब निकालेंगे परावैद्युत माध्यम, इस माध्यम के कारण जो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको निकालेंगे। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, जहां पे सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखो दोनों प्लेट, ये जो दोनों प्लेट है एक्स और वाई, दोनों के बीच हम लोग क्या निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे, तो विभवांतर के लिए क्या हो जाएगा, ई नॉट एप्सिलॉन नॉट मींस ई नॉट सॉरी E नॉट डी माइनस टी, इसके लिए क्या होगा, E नॉट के लिए डी माइनस टी, और E के लिए क्या हो जाएगा, E इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, एक माध्यम के लिए है और एक वायु के लिए है। ठीक है, तो आप देखो क्या करोगे, आप लोग इसका मान रख दो और इसका मान रख दो, E का मान और E नॉट का मान, E का मान यहाँ पे है, E नॉट का मान यहाँ पे है। ठीक है, तो रख दो और यहाँ पे डी माइनस टी, तो डी माइनस टी और यहाँ पे टी हो जाएगा, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, ये E नॉट का है। अब देखो E का मान कहाँ पे है, यहाँ पे है, Q upon K A epsilon naught A into T हो जाएगा। अब देखो हम लोग जानते हैं E equal to क्या होता है, V upon D, तो V equal to क्या होता है, ED। ठीक है, means ये V क्या है, विभव है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, D क्या है, दूरी है। तो अब देखो यहाँ से Q upon epsilon naught A D minus T plus Q upon K epsilon naught A plus T, अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, Q upon epsilon not A, जब कॉमन आ जाएगा बचेगा क्या, यहाँ पे D minus T, और यहाँ पे क्या बचेगा, T upon K बचेगा, क्योंकि Q upon epsilon not A बाहर आ गया है। ठीक है, अब क्या क्या बचेगा, अब हम लोग जानते हैं संधारित्र की धारिता C equal to क्या होता है, Q upon V होता है। ठीक है, तो अब देखो Q और V का मान तो ये है। ठीक है, तो V क्या है, विभवांतर है। ठीक है, तो अब C equal to Q upon V, Q upon और ये भी का मान यहाँ रख दिए, तो Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एप्सिलॉन नॉट ए जब नीचे में है तो ये क्या चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, तो D माइनस टी टी प्लस के, ये जब ऊपर चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर D माइनस टी कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, वन अपॉन, यहाँ से माइनस निकालते हैं, टी तो निकाल दिए हैं, तो माइनस वन बाई के हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए और d माइनस टी वन माइनस वन अपॉन के, यही क्या है, यही इसके लिए व्यंजक है। अब देखते हैं संधारित्रों का संयोजन, मींस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को कैसे जोड़ते हैं, दो तरीके से जोड़ते हैं, एक सीरीज में एक पैरेलल में, मींस श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो सबसे पहले देखते हैं श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में हम लोग क्या है, तीन संधारित्र लिए हैं जिसका धारिता क्या है, सी वन सी टू और सी थ्री है। ठीक है, और इसके बीच विभवांतर क्या है, वी वन वी टू और वी थ्री है। यहाँ पे हम लोग एन नंबर ऑफ कैपेसिटर जोड़ सकते हैं, बहुत सारे कैपेसिटर को अगर सीरीज में जोड़ना होगा तो ऐसा जोड़ते हैं, अगर पैरेलल में जोड़ना होगा तो यहाँ पे जोड़ते हैं, पैरेलल बाद में देखेंगे, पहले सीरीज देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आवेश क्या है, सब में क्यू आवेश दिया है, मीन्स प्लस क्यू आवेश ही दिया गया है। अब देखो ये जो प्लेट
है, प्लेट वन है, प्लेट टू है, प्लेट थ्री है संधारित्र का, ठीक है। अब मान लो प्लेट वन को मैं प्लस क्यू आवेश देता हूँ, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश इसको देने के कारण, प्रेरण के कारण इसके क्या होगा, समीपवर्ती तल पे माइनस क्यू आवेश आ जाएगा, ठीक है, और जबकि दूरवर्ती तल पे क्या जाएगा, प्लस क्यू आवेश आएगा, ठीक है। तो दूरवर्ती तल क्या है, प्लस क्यू आवेश है, तो ये प्लस क्यू आवेश इसमें चला जाएगा, इसके कारण फिर निकटवर्ती तल पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आवेश आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश फिर इसमें चला जाएगा, नेक्स्ट कैपेसिटर में चला जाएगा, तो यहाँ पे इसके कारण, प्रेरण के कारण क्या होगा, माइनस क्यू आवेश, ऐसा ही प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे मात्र तीन कैपेसिटर लिए हैं और सीरीज में जोड़े हैं और बाकी इसको क्या कर दिए हैं, ग्राउंडिंग कर दिए हैं। अब देखो इनके बीच हम लोग को क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है, विभवांतर, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको इक्वेशन मान लेते हैं। हम लोग जानते हैं संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है, ठीक है। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू Q अपॉन C1 हो जाएगा, V2 इक्वल टू Q अपॉन C2 हो जाएगा, V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन थ्री थ्री हो जाएगा। अब देखो हम लोग के पास वी वन वी टू और वी थ्री का मान आ गया है, तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन वन पे उसका वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। और बी सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन बी, ठीक है। तो बी इक्वल टू क्या होगा, सी इक्वल टू होता है क्यू अपॉन बी, तो बी इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन सी हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू अपॉन सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू अपॉन सी वन वी वन की जगह, वी टू की जगह क्यू अपॉन सी टू प्लस इसके जगह क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन सी थ्री। अब देखो यहाँ से क्यू कॉमन है, तो हम लोग कॉमन निकाल देंगे, तो बचेगा क्या, सब में क्यू कॉमन है तो क्यू को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री, और यहाँ से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वन अपॉन सी इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। यही श्रेणी क्रम संयोजन के लिए व्यंजक है, ठीक है। अगर यहाँ पे एन नंबर ऑफ कैपेसिटर होता तो क्या होता, वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री अप टू क्या हो जाता, वन अपॉन सी एन, मीन्स एन नंबर ऑफ कैपेसिटर भी जोड़ते हैं बहुत सारा, तो क्या है वहां पे भी यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में यहाँ भी ऐसे लिए हैं, लेकिन यहाँ पे आवेश डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्यू वन आवेश है, यहाँ पे क्यू टू आवेश है, यहाँ पे क्यू थ्री आवेश है, और इसकी जो है सी वन सी टू सी थ्री, ये तो है ही, कैपेसिटर है अलग अलग। तो अब देखो इसमें आवेश जो है बढ़ जाता है क्योंकि समांतर क्रम है, जैसे ही मैं इसको Q आवेश देता हूँ तो यहाँ पे Q1 हो जाएगा, यहाँ पे Q2 हो जाएगा, यहाँ पे Q3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आवेश हो जाएगा, और प्रेरण के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आवेश हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पे Q2 आवेश हो जाएगा और यहाँ पे माइनस Q हो जाएगा, यहाँ पे Q3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस Q3 आवेश हो जाएगा, और बाकी सबको एक साथ जोड़ के हम लोग क्या कर दिए हैं, ग्राउंडिंग कर दिए हैं, जो भी इधर का धन आवेश है उसको क्या कर दिए हैं, पृथ्वीकृत कर दिए हैं, ठीक है। अब देखो तीनों संधारित्र पर हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, आवेश निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे विभव समान है, विभव समान है और यहाँ पे विभव डिफरेंट है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान देना कि इस यहाँ पे विभव समान है, यहाँ पे श्रेणी क्रम में विभव अंतर जो है डिफरेंस है, इसमें विभव समान है, ठीक है, इक्वल है। तो अब Q इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, यहाँ पे आवेश डिफरेंट है और जहाँ पे जो डिफरेंस रहता है उसको निकालना पड़ता है। यहाँ पे विभव क्या है, डिफरेंस है, आवेश समान है, तो हम लोग यहाँ पे विभव निकाले हैं, यहाँ पे आवेश डिफरेंस है, डिफरेंट है और विभव समान है, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, आवेश निकालेंगे। तो Q इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, तो Q इक्वल टू क्या होता है, सी वी, ठीक है। सी इक्वल टू जब क्यू अपॉन वी होता है तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो Q1 इक्वल टू C1 भी, Q2 इक्वल टू C2 भी, Q3 इक्वल टू C3 भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो Q इक्वल टू क्या होता है, सी बी, आप समीकरण में मान रखो वैल्यू आ जाएगा हम लोग का, सी बी इक्वल टू सी वन भी प्लस सी टू भी प्लस सी थ्री भी। अब यहाँ से कॉमन क्या है, बी कॉमन है सब में, तो हम लोग बी को कॉमन निकाल देंगे, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री बचेगा, तो बी से बी कैंसिल हो गया, आप सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर यहाँ पे n नंबर्स ऑफ कैपेसिटर होते तो क्या होता, C1 इक्वल C गुड टू, C इक्वल टू होता C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू कितना, CN तक।